आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश अग्रवाल, आज मैं आपको कुछ कड़वी बात बताने जा रहा हूँ जो कि हर एक को हजम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा चैनल है टेक फिएस्टा, इसे इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। आज मेरा विषय है दारू, वाइन और न जाने क्या क्या नाम है, हाथ बट्टी पता नहीं मुझे। सरकार दारू बंद क्यों नहीं करती? कैसे उनको पैसा मिलता है इसलिए? गया जेल में समझ रहे, तिजोरी भर भर जाती है सरकारी खजानों की। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये गलत है। दारू बंद होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है दारू पीने वाला तो दारू पीता है, खास करके देसी दारू, कच्ची दारू, हाथ भट्टी, लोग किस्म के दारू, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पीते वाले लोग आम ज़्यादा करके गरीब होते हैं, उनको अपने घर गृहस्थ का कोई लेन देन नहीं होता है, यहाँ तक कि अपने बीवी को काम भी बेचकर उसकी कमाई से ये लोग दारू पीते हैं। ज़्यादातर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे कामली भाई घरों में काम करके पैसे कमाती है, बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है, खास करके उनके 50% 50% जो उनके हस्बैंड होते हैं, आदमी होते हैं, वो लगभग दारू पीते हैं, दंगा मस्ती करते हैं, मारा कुटी करते हैं, अपने बीवियों से पैसे छीन के दारू पीते हैं। तो कम से कम ये तो दारू बंद होनी चाहिए। केवल पैसा मिलता सरकार को इसलिए दारू रखना गलत है। वैसे तो दारू तो सभी बंद होने चाहिए, पूरे देशी विदेशी सभी, पर खास करके ये वाली, क्योंकि इसमें उनके औरतें बाल बच्चे की बहुत तल तल होती है। वो बच्चे ना स्कूल जा पाते हैं, ना अपने खुद के घर में रह पाते हैं, जिंदगी भर उनका यूं ही चला जाता है कि कड़ बाप, मारा कूटे करने वाला बाप। घर में शैतानों से बदतर व्यवहार करने वाला पति, ना वो काम पे जाता है और काम पे जाता है तो भी उस पैसे का वो दौड़ पी जाता है, या फिर नॉनवेज वगैरह वगैरह पार्टी शार्टी। तो सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन लाके इन चीज़ों पर बंदी होनी चाहिए। मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, खास करके झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, चालों में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत दारू, या कम से कम इतना तो होना चाहिए उनके पत्नियों ने, उनके बच्चों ने उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि ऐसी दारू बंद की जाए। इससे समाज का क्या फायदा है? शून्य, कुछ भी नहीं।
मुझे पता नहीं कि दारू बंद होने से नुकसान होगा देश का या कि सरकारी खजानों का। ठीक है, होगा तो होगा, अच्छे दिन अगर लाने हैं तो बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। बस और क्या बोलूँ। नमस्कार।